कभी सोचा है कि सूरज किससे बना है? सूरज कई तत्वों और गैसों से बना है। इसका 70% भाग हाइड्रोजन से बना है और इसमें 28% हीलियम है। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी कई और गैसें मिलकर भी इसकी कंपोजिशन यानी संरचना का केवल 1.5% हिस्सा है। अगर हम इसकी संरचना की तुलना हमारे ग्रह से करें तो पृथ्वी ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है। यहाँ 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 21% मात्रा में मौजूद है। बात करते हैं नाइट्रोजन की। वो गैस जो हमारे ग्रह के वातावरण में सबसे ज्यादा मौजूद है, ये गैस पृथ्वी पर बहुत जरूरी रोल प्ले करती है। ये मटेरियल्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाती है यानी उन्हें जंग लगने से रोकती है। केमिकल इंडस्ट्री में नाइट्रोजन कई रसायन बनाने के काम आती है। इसके अलावा ये आग को बुझाने में भी मदद करती है। जब नाइट्रोजन हमारे ग्रह के लिए इतनी जरूरी है तो जरा सोचिए कि अगर हम सूरज को बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन से भर दें तो इसका रिजल्ट क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं थिंक इफ। तो चलिए कल्पना करते हैं कि सूरज में 99,99,999 लीटर नाइट्रोजन डालने से क्या कुछ हो सकता है। सूरज के कोर यानी उसके सेंट्रल पार्ट का तापमान लगभग 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। इतने हाई टेम्परेचर पर अगर लिक्विड नाइट्रोजन को इसमें डाला जाएगा तो नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाएगी। वैज्ञानिकों की माने तो अगर 99,99,999 लीटर नाइट्रोजन को सूरज में भर दिया जाए तो अंजाम काफी घातक साबित होगा। जैसा कि हमने बताया है कि नाइट्रोजन आग बुझाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, इस लिहाज से अगर सूरज के अंदर उसके मास के बराबर नाइट्रोजन को भर दिया जाए तो ये सूरज की सतह के तापमान को कम कर सकता है, जिससे सूरज कम से कम 3 दशकों तक जलने में असमर्थ रह सकता है। हालांकि इसकी वजह से शायद सूरज के अंदर चल रहे रिएक्शंस ना रुके, जिनकी वजह से वो 32.5 साल बाद वापस से चमकने लगे। लेकिन इतने समय में पृथ्वी पर जीवन तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा अस्तित्व सूरज की गर्मी और ऊर्जा के बिना असंभव है। हम सब ठंड में जमकर खत्म हो जाएंगे। अगर हम सूरज के कोर में भारी मात्रा में नाइट्रोजन को भरते हैं तो वहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि नाइट्रोजन गैस कम से कम 700 गुना एक्सपैंड करेगी, जिससे सूरज के अंदर का दबाव काफी बढ़ जाएगा। इससे सूरज हजारों टुकड़ों में फट सकता है और बिना इस सितारे के हमारा सौरमंडल ध्वस्त हो जाएगा। इसकी ग्रेविटी के सहारे प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में स्थायी रूप से घूम रहे हैं। बिना इसके वो एक ही दिशा में एक के बाद एक बढ़ते चले जाएंगे, जिससे वो सौर मंडल से बाहर चलते चले जाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रेविटी के कारण सूरज शायद फटने से बच जाए। इसका कारण ये है कि भयंकर दबाव में जब सूरज बढ़ने की कोशिश करेगा तब बाहर के विशाल ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज पर दूसरी दिशा में दबाव डालेगा, जिसके चलते सूरज पर पड़ रहा प्रेशर बैलेंस्ड हो जाएगा और उसका आकार एक जैसा रहेगा। लेकिन इसके बावजूद पृथ्वी पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नाइट्रोजन सूरज में भारी मात्रा में मौजूद हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके विस्फोटक अमोनिया बना सकता है। इसकी वजह से थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके बाद सूरज से मिलने वाली ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में बर्निंग मीटियोर्स के समान तेज होंगी। इससे यहाँ पर गर्मी और सनलाइट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इतने स्ट्रॉन्ग रेडिएशन में लोगों की आंखों को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी के साथ इतने ज्यादा तापमान में पृथ्वी पर भारी मात्रा में मौजूद सारा का सारा पानी इवेपोरेट यानी भाप में बदलने लगेगा, जिसके चलते हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और कमजोर दिल और फेफड़ों वाले लोगों के लिए स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। इसके अलावा ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे और पृथ्वी पर भारी तूफान और बर्फबारी शुरू हो सकती है। पेड़ पौधे, अनाज सब नष्ट हो जाएंगे और लोग भुखमरी के चलते मरने लगेंगे। खैर, सूरज के आकार को ध्यान में रखते हुए एक बात तो तय है कि इतनी अधिक मात्रा में हम लिक्विड नाइट्रोजन को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इस लिहाज से 99,99,999 लीटर नाइट्रोजन को सूरज में डालने का आइडिया पहले ही फ्लॉप हो जाता है। लेकिन फिर भी सोचने में क्या जाता है, तो सोचिए अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हो सकता है। हमें बताइए कि आपका विज्ञान क्या कहता है। आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।